छतरपुर के जनसुनवाई में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब एक महिला अपने पति को गोद में उठाकर जनसुनवाई में न्याय पाने की मांग करने पहुंची। बताया जा रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति न मिलने से परेशान विकलांग युवक को उसकी पत्नी ने गोद में उठाया और न्याय की गुहार लगाने जनसुनवाई में पहुंची। दरअसल लवकुश नगर के परासिया में रहने वाले युवक अंशुल गौड़ की मां की मृत्यु 2015 को हो गई थी और उसकी मां शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। उसी को लेकर अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार यह युवक 5 सालों से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इनकी कोई भी मदद नहीं की गई। इसके बाद आज यह विकलांग युवक अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था। विकलांग होने के चलते जब वह चल नहीं पा रहा था तो उसकी पत्नी उसे गोद में उठा ले आई और अपने पति को जनसुनवाई में कलेक्टर के पास लेकर पहुंची। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पूरे मामले में मदद का आश्वासन देते हुए निर्देशित किया कि जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने युवक के इलाज के लिए भी CMHO को निर्देशित किया है। कलेक्टर साहब के पास हम कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज फिर जनसुनवाई में आए थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए और आदेश आ गया है। पहले अध्यापक संवर्ग में मान लीजिए DED नहीं था हमारा, कुछ नहीं था। अब ऐसा नियम आ गया कि प्रयोगशाला के शिक्षक के पद पर भी नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। 1 लाख रुपए जो खाते में डाला गया है, हम बराबर आवेदन दे रहे हैं कि ये हमको नहीं चाहिए था, लेकिन शिक्षा अधिकारी द्वारा जबरदस्ती डाला गया है। हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, बताइए योग्यता हमको। अगर जब आदेश आ गया है तो कंपनी नियुक्ति दे दीजिए, बहुत परेशान कर रहे हैं। पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये पात्र नहीं थे और इसी को लेकर एक मुश्त राशि खाते में 1 लाख विभाग द्वारा डाल दी जा चुकी है, लेकिन अब नए नियम के तहत अगर पात्रता आती है तो इन्हें जरूर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। बहरहाल सरकारी नियमों के चक्कर में युवक 5 सालों से परेशान है, उसके घर की माली हालत भी ठीक नहीं है और प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।